मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस में पुनः स्वागत है। ये आप लोग का पी ब्लॉक का लेक्चर वीडियो की बात करें तो पहले ही दिखा देता हूँ, ये लेक्चर वीडियो आप लोग का है, लेक्चर वीडियो 12। लेक्चर वीडियो कितना है? 12 है मुन्ना। ये आपका लेक्चर वीडियो आपका 12 है, 12। अब कहो कि सर इसमें क्या पढ़ाने वाले हो, ये भी बता देता हूँ पहले ध्यान से। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट यूनिट आपका वही है 7। यूनिट आपका क्या है? 7। एक बात याद रखना मेरे प्रिय बंधु, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टिक लगाते चल रहा हूँ, आप कवरिंग करते चलो, बारहवीं की तैयारी आराम से हो जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। मैं लगातार अग्रसर हूँ और कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है, और डेली लगभग वीडियो मेरा चढ़ता रहेगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए बात करूँ ये अपने आप में अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। यानी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण, और वो भी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में कौन सी विधि है? ओस्टवाल्ड विधि। तो ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में हम लोग अमोनिया गैस से करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया गैस से करते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन से भी लेकर के कर सकते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्ट NO में बदलकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराकर। लेकिन हम लोग यहाँ इसी बात को फॉलो करते हैं और चलते हैं बात करते हैं। क्वेश्चन पहले ही दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि अमोनिया गैस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हो HNO3, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, निर्माण है ना, निर्माण के विधि को लिखें, अथवा एक और वर्ड आएगी ये भी जान लो, अथवा बात करेगा आपसे कि ओस्ट क्या बोलेगा मुन्ना? ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक का नाम है मुन्ना, दूसरा वैज्ञानिक के नाम है ओस्टवाल्ड होता है, क्या होता है? ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक का नाम है, तो उसमें ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बात करेगा, क्या वैज्ञानिक का नाम है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के विधि को लिखें। ये कई बार बिहार बोर्ड में आ चुकी है, बात करें आप लोगों से तो ये आ चुका है, और जब भी आता तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता मुन्ना, 5 नंबर में आता, 5 नंबर देकर जाता है। क्लियर हो गई? चल आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक कंटेनर होती है, उस कंटेनर को पहले बना लें दो ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ देखोगे इस प्रकार का एक कंटेनर लगी होती है, इस प्रकार से एक कंटेनर होता मुन्ना, मैं फटाफट बना देता हूँ, आप लोग बुक को भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होती है और यहाँ से ये मुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से ये मुड़ा होता है, इस प्रकार से ये पाइप होता है, इसमें जाता है कौन ये ध्यान देना। लेकिन इसमें एक चीज़ और लगी होती है, इसमें जो होता है प्लेटिनम जाली लगा दिया जाता है जो उत्प्रेरक का काम करता है, ये है प्लेटिनम जाली है, जिसको बोलते हो
प्लैटिनम नेट है ना, ये पीटी नेट है मुन्ना, क्या है, पीटी नेट है, जाली है, जो क्या होता है, कैटलिस्ट, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का वर्क करता है, जिसको बोलते हो उत्प्रेरक। और ये इस प्रकार से आता है और यहाँ से ऐसे फिर निकल जाता है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ता मुन्ना, और एक फिर कंटेनर होती है, उस कंटेनर में इस प्रकार से घटना कुछ होती है, ज़रा देखना, ऐसे होती है ये घटना, ऐसे होती है ये भी, इसका भी कुछ फंक्शन होता, अपना क्या होता, कुछ फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है ये भी जान लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी, सब चीज़ समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है मुन्ना, थोड़ा सा वेट कर लो। ऐसे होती है वर्क फंक्शन इसका, इसको बोलते हो नाम है, इस टंकी का नाम है, इस चैम्बर का नाम है, इसको नाम दिया जाता है उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष ये है, जिसको कक्ष, इंग्लिश वाले सुन ले जरा, इसको बोलते हो यानी कैटलिस्ट चेंबर बोलते हो, क्या बोलते हो, कैटलिस्ट चेंबर बोलते हो, ठीक है। और ये जो है कूलिंग चेंबर यानी शीतलक कक्ष है मुन्ना, जहाँ ठंडक उत्पन्न होएगी, इसको बोलते कूलिंग चैम्बर है ये, कौन सी चैम्बर है मुन्ना, कूलिंग चैम्बर। और ये कूलिंग चैम्बर से क्या होती, अब देख यहाँ क्या, कैटलिस्ट को हटाने दे मेरे को थोड़ा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा, प्लैटिनम जाली ये लिख देते हैं उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्प्रेरक कोष्ठ में डाल दिया। अब देखो यहाँ जो जाएगा इसमें एंट्री मारेगा, कोई गैस मारेगा, देख कौन मारता है इसमें NH3 अमोनिया गैस प्लस O2 गैस का मिश्रण होगा, और इसको जब हॉट करोगे 500 केल्विन टेम्परेचर, और इसको क्या करोगे, 500 केल्विन टेम्परेचर होती है मुन्ना, और इसका प्रेशर भी कुछ होता है, वो प्रेशर जो होता है, यानी प्रेशर की बात करें तो इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, 9 बार होता है, केवल 9 बार होता है। इतने प्रेशर पर हॉट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी NO गैस, क्या मिल जाएगी, NO गैस मिल जाएगी। और ये NO गैस इससे होकर गुजरती, मतलब कि इसमें कराओगे जब क्रिया तो होकर निकलेगी, अब ये जाएगा किसमें, यहाँ से होकर NO आएगा, NO की चालन इधर चल रही है, गैस का आ रहा है, इसमें NO गैस निकल रही है, इधर से जा रहा है, ठीक है। और ये NO गैस कूलिंग चैम्बर में आएगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, ठंडा करोगे इसको, क्या करोगे, इसको कूल करोगे मुन्ना, क्या करोगे बताओ, कूल करोगे, और कूल करके तुम्हें कुछ मिलेगी, इसको ठंडा करोगे और ठंडा करने के बाद तुम्हें घटनाएं कुछ मिलेगी, तो होगा कहाँ, कूलिंग चैम्बर में इसको ठंडा किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कूलिंग चैम्बर में। तो कूलिंग चैम्बर को यहाँ मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने, ये रहा कूलिंग चैम्बर आपका, ये रहा कूलिंग चैम्बर मुन्ना, और इसको कूलिंग चैम्बर में आप क्या करोगे, ठंडा करोगे, क्या करोगे, कूलिंग चैम्बर में ले आकर ठंडा करोगे, तब आगे आप ट्रांसफ़र करोगे, फिर एक जगह ले जा करके इसको कहाँ ले जाओगे, गैस को ये नीचे लाना, इसको यहाँ से थोड़ी सी एक मारता हूँ, ये बातें यहाँ से ये इस प्रकार से रहेगी, इसको पैक कर लो, और ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा, और आने के बाद ये जाएगा सीधे ऐसे, पाइप मुड़ेगी और मुड़ करके जाएगा यहाँ पर, यहाँ तुम्हारी रहेगी जल की बौछार कराओगे, यहाँ पर पाइप आएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगी रहेगी, इस प्रकार से नलका लगी रहेगी, और इस नलका से क्या करोगे, इसमें होल्स रहेंगे और पानी की बूंदें इसमें गिरेंगे, ये तुम्हारा हो गया नलका, इसमें लगा दे इस प्रकार से, ऐसे बंद चालू करने वाले टंकी, जल प्रवाह हो जाएगा वाटर फॉलिंग जल प्रवाह। अब देखो ये आएगा इस प्रकार से, यहाँ से जो होता है, ये जो होता है अनावश्यक जो होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट गैसेज क्या होती है, उसे निकल जाएगा, वेस्ट गैसेज निकल जाएगा, और इससे जो आता है वही आता है HNO3 प्राप्त होता है। यहाँ से लेकर आओ और यहाँ टंकी लगाओ, इसको नीचे की ओर गिरा ले और कंटेनर में एकत्रित कर ले,
यहाँ टंकी में निकलेगी तो वो आएगा HNO3, वो भी कितना 68% कंसनट्रेट आएगी। यहाँ से वेस्ट गैसें निकलेंगे, वेस्ट का मतलब अपशिष्ट कह सकते हो, अपशिष्ट जिसको ज़रूरत नहीं है, अपशिष्ट गैस निकलेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हो उत्पादक, उत्पादक कक्ष, प्रोडक्शन चैम्बर। इसको बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, कौन सी ऑक्सीडेशन कह सकते हो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन चैम्बर, CHAMBER चैम्बर। जिसको बोलते हो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण लिखो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण चैम्बर, यानी कि कक्ष ये है तुम्हारा, और ये कूलिंग चैम्बर हो गई। अब यहाँ पर जब ये आएगा, इसमें NO एकत्रित होगा, ठंडा होगा तो NO इधर की ओर बढ़ेगा, इसमें आएगा तो इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, और ये आएगा NO तुरंत क्या करेगा, NO2 से रिएक्शन करेगा, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ NO आया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, मतलब ऑक्सीडाइज हुआ और बदल गया NO2 में, बदल गया किसमें, NO2 में बदल गया। अब सुनो ध्यान से सब लोग, फिगर बन गई। और यहाँ क्या होता, जब ये यहाँ से ट्रांसफर होएगी, कौन NO2 गैस यहाँ से निकलेगी, तो NO2 गैस इसमें आएगी प्रोडक्शन चैम्बर में। अब प्रोडक्शन चैम्बर में NO2 आएगा, पुनः क्या करेगा, माफ करना, NO2 आएगा, इसको हटाओ, NO2 आएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा मुन्ना, और तुरंत बन जाएगा HNO3 में कन्वर्ट होगी, और फिर NO गैस को क्या करेगा, रिलीज कर दे। देखो मुन्ना, अब इस फिगर को समझा देते हैं, क्या करते हो, सबसे पहले ये बात बता देता हूँ, अमोनिया गैस की बात कर रहे हो, अमोनिया गैस से नाइट्रिक अम्ल की उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है, यानी अमोनिया गैस से नाइट्रिक अम्ल की प्रोडक्शन ओस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा किया जाता है, यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा नाइट्रिक अम्ल की फॉर्मेशन किससे की जाती है, बाय अमोनिया गैस। क्लियर हो गई, इस विधि में, इन दिस प्रोसेस, इस विधि में आप क्या लेते हो, अमोनिया गैस को लेकर वायु में उपस्थित शुद्ध ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि प्योर ऑक्सीजन के साथ मिश्रण करते हो, मिक्सचर करते हो, और मिक्सचर को यानी मिश्रण को यानी 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर क्या करते हो, आप गर्म करते हो, हीट करते हो, तो तुम्हें NO गैस यानी हीट करके यानी मतलब गर्म करके क्या करते हो, पिट्टी जाली से होकर गुजारते हो, तो NO गैस प्राप्त हो जाता है। मतलब फिर से समझ लीजिए, पहले हम लोग अमोनिया को लेंगे, अमोनिया को क्या करोगे, अमोनिया गैस को लोगे, प्योर ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बनाओगे, मिक्सचर करोगे, और यानी कि मिक्सचर करके मिक्सचर को क्या करोगे, एट द हीटेड यानी 500 टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर, ठीक है, और हीटेड करके क्या करोगे, पासिंग करोगे इससे प्लेटिनम जाली से, प्लेटिनम नेट से होकर क्या करोगे, गुजारोगे, तो तुम्हें NO गैस प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रिक गैस प्राप्त, यानी बोलते हैं नाइट्रिक जो गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, या इसी को बोलते हो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस को शीतलक कक्ष में यानी कूलिंग चैम्बर में क्या होता है, ये कूलिंग चैम्बर में जाता है, और कूलिंग चैम्बर में ले जाने के बाद आप क्या करते हो, इसे तुरंत क्या करोगे, ठंडा करोगे, क्या करोगे मुन्ना, यानी याद रखना कि जो तुम्हें प्राप्त हो गई, प्राप्त NO गैस को कूलिंग चैम्बर में ठंडा करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत कराया जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण कक्ष में कराई जाती है, यानी जिसको ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हो, उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया कराई जाती है, तो हमें क्या मिलता है,
NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। फिर से एक बार, सबसे पहले यानी बोलेंगे कि अमोनिया गैस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अमोनिया गैस को वायु में उपस्थित शुद्ध ऑक्सीजन के साथ मिश्रित कर मिश्रण को 500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर गर्म करके पिटी जाली, प्लैटिनम जाली या उत्प्रेरक कक्ष से होकर गुजारते हैं तो हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी एवं क्या होती, उत्क्रमणीय होती है, जो लगातार चलती रहती है। अब यहाँ बोलेंगे कि प्राप्त एनो गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस को शीतलक कक्ष में यानी कूलिंग चैम्बर में ठंडा करके, कूलिंग चैम्बर में ठंडा करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एनो गैस जो होता है NO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए इस कक्ष को आप बोलते हो ऑक्सीडेशन चैम्बर बोलते हो। अगली स्टेप में मुना क्या होता है, जरा गौर करना। अगली स्टेप में लिखना कि प्राप्त NO2 गैस को उत्पादक चैम्बर यानी प्रोडक्शन चैम्बर में उत्पादक कक्ष में ले जाकर जल द्वारा तनु बनाया जाता है। यानी क्या किया जाता है, NO2 गैस को लेना, वाटर के साथ क्या करना, डाइल्यूट करना, यानी डाइल्यूट का मतलब रिएक्शन कराना, यानी डाइल्यूट का मतलब पतला हो जाएगा तो तुम्हें 68% कंसंट्रेट HNO3 गैस प्राप्त हो जाएगी और क्या होगा, NO गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। क्यों, NO गैस निकलेगी, पुनः क्या होगी, NO गैस निकलेगी, ठंडा होगी, फिर O2 से अभिक्रिया करेगी NO2 आकर फिर यहाँ, ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है और HNO3 का निर्माण होते रहता है। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं, मुन्ना जरा देखना। पहला स्टेप मैंने कहा कि अमोनिया गैस को आपने क्या किया मुन्ना, अमोनिया गैस को शुद्ध ऑक्सीजन के साथ 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार दाब पर आपने हीट किया तो आपको मिल गया NO गैस, मिल गई NO गैस, और उसके बाद आपको मिल गया H2O मिल गई, क्योंकि गर्म करोगे तो ये पक्का जल लेकर भागेगा। अब देख मुन्ना, बैलेंस करने का सबसे बढ़िया आसान, इसमें देख मेरे को कन्फर्म कवरिंग है, आपको भी कवरिंग हो जाएगी, 4 से कर 5 से कर, इसमें 4 से कर 6 से कर, याद कर लेना कि पहले स्टेप अमोनिया के निर्माण में 45 और इसमें 46 का गुणज होता है। इसका मतलब कि 4 यहाँ से 5 45, 4 यहाँ लिख दिया और 6 यहाँ से 46। क्लियर हो गई मुन्ना। अगली स्टेप, दूसरी स्टेप मैंने कहा कि प्राप्त NO गैस को शीतलक कक्ष में ठंडा करके ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया कराया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इसमें देखो 2 से मैंने मल्टीपल किया मुन्ना, 4 ऑक्सीजन 2 से गुणा किया, बैलेंस हो गई। अगली स्टेप, तीसरी स्टेप मैंने कहा मुन्ना कि प्राप्त NO गैस को उत्पादक कक्ष में ले जाओ, प्रोडक्शन चैम्बर में ले जाओ और वाटर के साथ इसे तनु बनाओ, वाटर के साथ डाइल्यूट बनाओ। जब इसे डाइल्यूट करते हो तो ये मिल जाता है HNO3, लेकिन कितना प्रतिशत HNO3 मुन्ना, कितना परसेंट, तो ये 68% क्या होता है, कंसनट्रेट होता है, 68% क्या होता है, सांद्र होता है, और NO गैस क्या होती, निकलती रहती है, जिसके कारण ये साइकिल चलते रहता है, चक्र चलते रहता है। इस निकल गैस निकलने के कारण, चक्रण होने के कारण ये क्रिया क्या होती है, बढ़ती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो अब देखिए,
अब यहाँ मैं बता दूँ बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ दो से गुणा कर लो मुन्ना, और यहाँ क्या कर लो दो से, माफ़ करना, उधर नाइट्रोजन की दो, इधर भी एक, तो मैं थोड़ा सा तीन से करके देखता हूँ, तीन इधर दो तो हो गई, इधर देख यहाँ एक की गुणज, यहाँ एक की गुणज, यहाँ तीन की गुणज, यहाँ एक की, 31, तो यहाँ कितना है 21 के है, याद कर ले, दो इसमें एक बैलेंस रिएक्शन दिखाई दे रही होगी, करके देख लेना। क्लियर समझ में आ गया, एक बार फिर से सुनाता हूँ, लिखवाना प्रारंभ करता हूँ। अब देखो मुन्ना एक और बातें, जरा गौर कर मेरे बात को, ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि किसको 98% सांद्र प्राप्त कर लें, कंसंट्रेट प्राप्त कर लें, किसको HNO3 को आपको मन में है कि नहीं मैं 98% कंसंट्रेट चाहता हूँ, तो इसमें सांद्र क्या करना, कंसंट्रेट 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 H2SO4 मिला देना। जब H2SO4 मिलाओगे तो इसके वाटर को ये ले लेगा और ये HNO3 तुम्हें कितना मिल जाएगा, 98% कंसंट्रेट HNO3 प्राप्त हो जाएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं लिखवाऊंगा मुन्ना, ले लिए होंगे फिगर को, फिगर आप लोग बना लेना। क्लियर हो गई, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं ना है, तो मैं क्या करता हूँ आगे की बातें करता हूँ, जरा गौर करना। अब आगे लिखवाता हूँ, जरा सुनिएगा, ले लिए होंगे मेरे ख्याल से मुन्ना आप लोगों ने ले लिया होगा, क्या मैं आगे बातें करूं क्या, जरा गौर करना, देखना ध्यान से, आगे बढ़ जाऊं, मिटा रहा हूं मुन्ना, देखो चलो हो गई, मैं मिटाता हूं और आप लोग का आंसर लिखवाना प्रारंभ करता हूं। चलिए देखिएगा, उत्तर लिखना प्रारंभ करो मेरे दोस्त, लिखो तो मेरे भाई, एकदम बिल्कुल आप लोगों को मैं कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर देने का कोशिश कर रहा हूं, बट क्या करूं, मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है कभी कभी असफल हो जा रहे हैं, फिर भी आप लोगों के साथ हूँ, लगा हूँ और लगे ही रहेंगे, आप लोग परेशान ना हो। एक और इसमें से क्वेश्चन मिटाता हूँ, एक ही क्वेश्चन को रहने देता क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो बातें करते हैं, उत्तर, उत्तर में आपको लिखना होगा अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस के द्वारा, गैस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। लिखेंगे इस विधि में अमोनिया, इस विधि में अमोनिया गैस को को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिश्रण को 500 केल्विन ताप एवं 9 bar दाब पर गर्म करके क्या करते हैं, यानी प्लैटिनम जाली से होकर गुजारा
जाता है तो गुजारा जाता है तो है तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड यानी मीन एन ओ गैस प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया होता है यहीं तक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उठाओ रिएक्शन लेता हूँ मुन्ना। अमोनिया NH3 ये गैसियस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ऑक्सीजन भी क्या है मुन्ना, ऑक्सीजन भी आपका क्या है, गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में मुन्ना, गैसियस फॉर्म में। तो मैं लिखूँगा NH3 ये क्या है, गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, O2 भी क्या है, गैस है। यहाँ टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन टेम्परेचर है। 9 ATM क्या है, माफ कीजिएगा, 9 bar क्या है, दाब है। और इसको जब करोगे तो तुम्हें मिलने वाली क्या है, NO गैस मिलेगा। अब प्लस क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा है कि इसमें 4 से गुणा कर ले मुन्ना, इसमें 5 से गुणा कर ले, इसमें 4 से कर ले, इसमें 6 से कर ले। यहाँ मिल गई तुम्हें 45 और यहाँ मिल गई 46। ये है आपका अमोनिया। थोड़ा सा मिटाऊंगा अंक को ऊपर भी बैठा सकते हैं। यहाँ मैं 45 लिख देता हूँ, ठीक है, 45। और यहाँ आपका ऊपर में लिख देता 46, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है अमोनिया। और यहाँ बन गई क्या चीज़, नाइट्रोजन। क्या नाम है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हो। क्लियर हो गई। अब लिखता हूँ, पैराग्राफ चेंज कर लेना मुन्ना। लिखेंगे यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी एवं उत्क्रमणीय होने के कारण क्या करता है बताओ, लगातार यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बस एक छोटी सी पार्ट, उत्क्रमणीय होता है। बस अब लिखूँगा यहाँ क्या चीज़, कि प्राप्त एन ओ गैस को क्या करते हैं बोलो, एन ओ गैस को किस में भाई, तो शीतलक, एन ओ गैस को शीतलन कक्ष में ठंडा करके आप क्या करोगे बताओ मुन्ना, ठंडा करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो NO2 गैस प्राप्त होता है। रिएक्शन NO2 प्लस, सॉरी माफ करना, NO
प्लस ओ टू का करेगा बताओ, तो बनाएगा एन ओ टू। इसको बैलेंस के लिए कुछ नहीं करना, इसमें दो से गुणा कर ले, इसमें दो से गुणा कर ले, बैलेंस हो गई। ये नाम है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रिक लिखो ना, नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है क्या चीज़, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या नाम है मुन्ना, डाई डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम है। अब देखो, अब लिखेंगे फिन, क्या चीज़, प्राप्त, यहीं से पैराग्राफ चेंज करके, प्राप्त नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, प्राप्त नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड गैस को नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस को, गैस को उत्पादक, उत्पादक कक्ष, उत्पादक कक्ष में जल द्वारा, जल द्वारा तनु, जल द्वारा तनु बनाकर, तनु बनाकर, तनु, तनु बनाकर 68% है ना सांद्र, 68% सांद्र HNO3 मतलब सांद्र नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल, अम्ल प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यह, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी एवं, एवं उत्क्रमणीय, उत, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होने के, होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण क्या करता है बोलो, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल लिख देता हूँ, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का लगातार, लगातार निर्माण, निर्माण करता है, करता है। रिएक्शन मुन्ना देख लो, देखो रिएक्शन, यहाँ रहेगा NO2 गैस हुई, मैंने लाया इसको जल से तनु बनाया, और तनु बना करके इसको मैंने क्या किया, HNO3 प्राप्त किया, अब प्लस NO गैस को मुक्त करा दिया, क्या करा दिया, NO गैस को मुक्त करा दिया। यहाँ मैं 3 से गुणा कर लेता और यहाँ 2 से कर लेता हूँ, तो याद कर ले इसमें 31 मिला, कहाँ से 31 मुना, 3 यहाँ से 1 यहाँ से, इसमें 1 छुपा हुआ है, और इसमें तुम्हें 21 मिल गई, 21 मिल गई, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से कंप्लीट। यही जो होता है, यही जो होता है 68% सांद्र, सांद्र क्या है, नाइट्रिक, नाइट्रिक, नाइट्रिक क्या होता, अम्ल होता है, अम्ल होता है, क्लियर है। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले, ले जल्दी स्क्रीनशॉट मुन्ना, ले लिया होगा क्या, बोल ले, अगर ले लिया होगा तो मिटाता हूँ। उस अभिक्रिया को जो मैंने नीचे दिखाया था, ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ, क्लियर दिखाई दे देगी, शायद आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो लिख भी देता हूँ। यह अभिक्रिया ऊपर में देख लीजिए, NO2 को मैंने जल द्वारा तनु बनाया, मिल गई मेरे को क्या चीज़, यहाँ से HNO3 प्लस निकल गया NO2, यही गैस लगातार प्रोडक्शन होने के कारण आएगा कूलिंग में और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फिर O2 बनाएगा, फिर जल में बनेगा। तो यहाँ मिल गया 3, यहाँ मिल गया 2, ये हो गया 21, यहाँ हो गया माकिना, यहाँ हो गए 31, यहाँ हो गए 21, क्यों, तो यहाँ देखो 1 छुपा है, यहाँ देखो 1 छुपा है, 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, 1,
अब देखो मुन्ना, इतना लिखने के बाद इसका नाम हो गया क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका नाम क्या है मुन्ना बताओगे, नाइट्रोज, इसका नाम है 68% सांद्र, सांद्र नाइट्रिक, नाइट्रिक ये अम्ल मिल गई हम लोग का। यही था हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण, यानी उसका निर्माण। और आप लोग जो फिगर दिए थे मुन्ना, फिगर बनाया था, उसके नीचे में ज़रूर लिख देना फिगर, बुक को फॉलो करेगा तो पता चलेगा, ऐसे लिख देना, यानी ओस्ट, ओस्टवाल्ड, मैंने छूट गया, ओस्टवाल्ड विधि, विधि द्वारा है ना HNO3 का निर्माण। जरूर फिगर के नीचे लिख देना मुन्ना, फिगर के नीचे लिख देना, ठीक है, बहुत सारी वीडियो में मैं लिखा हूँ, ठीक है। ये हो गई, अब देखो एक चीज़ और, अब एक बात नोट में लिखना होगा हम लोग को, नोट में एक चीज़ लिखना है, मिटाता हूँ और नोट लिखवाता हूँ, फिगर में डाल देना नीचे, ठीक है ना। चल नोट में एक बात, अगर नोट करे कोई पूछेगा ये बातें कि अगर मुझे ये 98% सांद्र अगर प्राप्त करनी होगी तो मेरे को इसमें क्या मिलेगा, HNO3 के 98% सांद्र बिलियन अगर मेरे को चाहिए, सांद्र यानी अम्ल चाहिए, तो उसमें मेरे को सांद्र H2SO4 मिलाना पड़ता है। तो नोट में लिखा जाएगा कि 68% सांद्र, सांद्र HNO3 अम्ल, अम्ल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लिए नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में सांद्र, अम्ल में माफ करना मुन्ना, अम्ल में सांद्र, सांद्र H2SO4 मिश्रित, मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है। मुन्ना स्क्रीनशॉट सब ले लो, ले लिया होगा तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि अवश्य मैं आप लोगों के साथ हूँ, बशर्ते आप लोगों से मैं किसी वीडियो में ये सब बातें नहीं बोलता। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब आप लोग करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पूरी क्वेश्चन बैंक शॉर्ट और लॉन्ग शॉर्ट सोल्व कराऊंगा, आप पूरा 2009 से लेकर के 2020 तक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूं, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जिसमें से 2018 का नहीं है, किसी कारणवश नहीं किया था, उसको भी अपलोड कर दूंगा। और तुरंत हम क्या करते हैं, आप लोगों को सेट प्रैक्टिस भी लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, आप लोग कोई परेशान नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव का सेट बन चुका, ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका होगा। एक और बातें कि आप लोग जो भी मटेरियल चाहते हैं टेलीग्राम पर आप लोग जाएं, टेलीग्राम पर डाउनलोड करें, उसके बाद गुरु द्रोण केमिस्ट्री क्लासेस, गुरु द्रोण केमिस्ट्री क्लासेस आप लोग देखते होंगे क्या, गुरु द्रोण केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लासेस, गुरु द्रोण केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कीजिए और आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सारी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। कोई दिक्कत बोल लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं मुन्ना, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।